नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मैच नंबर 17 को लेके, जो कि आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो कल का मैच रहा वो कुछ खास रहा नहीं, लेकिन यहां से मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि देखिए फैंटेसी है, जहां पे हम लोग जीत रहे हैं तो वहां पे हमें हार को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे मैसेजेस मिले कि सर कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है, कल हम लोग हैं वो अगले मैच में अपना लॉस कवर करेंगे। और जिन भी लोगों का कल लॉस हुआ है उनका आज के मैच में हम लोग लॉस कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का जो मैच रहेगा वो थोड़ा सा देखिए क्रेडिट्स को देखते हुए रिस्की मैच रहेगा, क्योंकि इस मैच में आपको क्रेडिट पॉइंट के इशू को फेस करना पड़ेगा। बिकॉज सभी जो प्लेयर्स है वो हाई क्रेडिट्स के प्लेयर है, रोहित शर्मा, क्रिस गेल, लोकेश राहुल, किसी को भी ले लीजिए, और यही 3-4 प्लेयर्स है जो आपको क्रेडिट्स की प्रॉब्लम में, आपको ऐसा है कि क्रेडिट्स की प्रॉब्लम में फंसा के छोड़ेंगे और आपको टीम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट कैसे आप लोग टीम बनाएंगे, किस प्लेयर पे आपको रिस्क लेना है, कहां पे रिस्क लेना है, ये सारी चीजें हम लोग आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ जब आप लोग स्टेट्स देखेंगे ना प्लेयर्स के, तो वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस प्लेयर को छोड़ के चलना चाहिए और किस प्लेयर को नहीं छोड़ के चलना चाहिए। सो रिक्वेस्ट करता हूं कि विदाउट एनी सेकंड स्किप किए कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एक और चीज कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी 1,00,000 रुपए का फ्री वे चल रहा है, यानी कि मैं आपसे इस वीडियो में 2 क्वेश्चन करूंगा और आज के दोनों क्वेश्चन अलग होंगे, आपको उन दोनों क्वेश्चन के सही आंसर देने हैं। अब देखिए सही आंसर आपको सबसे पहले देना है, शुरुआत के दो बंदे जो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे उनको मेरी तरफ से 5,000 रुपए मिलेंगे। बाद में जो अगर सही क्वेश्चन भी होते हैं तो फिर वो उनको प्राइज नहीं मिलेगा, शुरू में जो दो बंदे सबसे पहले करेंगे उन्हीं को प्राइज मिलेगा। और आपको वीडियो लाइक करना कंपलसरी है, अपने आंसर के साथ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, तभी आपको प्राइज मिलेगा। अदरवाइज अगर आपका आंसर सही भी हुआ तो भी आपको प्राइज नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको माय स्टोर 11 एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, जो कि एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जहां पे आप लोग केवल 2 बैट्समैन और 2 बॉलर्स के साथ भी खेल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन पे आपको है वो सेकंड इनिंग्स भी मिल जाती है, यानी कि अगर आप लोग फर्स्ट इनिंग्स में लॉस में चल रहे हो देन आप लोग सेकंड इनिंग्स में अपना लॉस कवर कर सकते हैं, बिकॉज आप मैच के बीच में सेकंड इनिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया एप्लीकेशन है, आपको ट्राई करना चाहिए। डाउनलोड करने के लिए आप लोग mystore11.com पे जा सकते हैं या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जब जाएंगे तो वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वैसा आप वहां पे आपको लिंक मिलेगा जहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मैच को लेकर। काफी जो स्टेट्स है, इंपोर्टेंट स्टेट्स है, जानना आपके लिए काफी जरूरी है और वही हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको डायरेक्ट ड्रीम इलेवन पे लेके चलूंगा जहां पे प्लेयर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहां से मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स के मैच को लेके डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि फाइनल अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी 1,36,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, उस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है और आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो, बिकॉज रिसेंट की टॉस के बाद की जितनी भी अपडेट्स है, टॉस या फिर करंट पिच रिपोर्ट हो गया, कौन सा प्लेयर न्यू आ रहा है, उसको लेना है नहीं लेना है, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वेन्यू को लेकर बात करते हैं, वेन्यू रहेगा मिस्टर चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई, चिपॉक के मैदान पे ये मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट को लेके अगर हम लोग बात करें तो देखिए पिच रिपोर्ट को मैं आपको समझा देता हूं। अभी तक जो 7-8 मैचेस खेले गए हैं वहां पे एक चीज ऑब्जर्वेशन के लायक है कि शुरुआती के जो 10 ओवर्स है वहां पे बैटिंग करना आसान हो रहा है, फिर चाहे वो सेकंड इनिंग्स हो फिर चाहे वो फर्स्ट इनिंग्स हो, यानी कि शुरुआत के 10 ओवर में बैटिंग करना आसान हो रहा है, लेकिन जैसे ही 8 से 10 ओवर्स कंप्लीट हो रहे हैं फिर बॉलर्स कम बैक कर रहे हैं और बैट्समैन को डोमिनेट कर रहे हैं। लास्ट मैच में वंस अगेन मुंबई है वो डोमिनेट हुआ 10 ओवर्स के बाद, वैसे शुरुआत में ही विकेट्स गिर गए थे, लेकिन 10 ओवर्स के बाद अगर शुरुआत के 10 ओवर्स में अगर 80-90 रन भी है ना तो लास्ट के 10 ओवर्स में केवल 50-60 रन बन रहे हैं और 7-8 विकेट्स भी गिर रही है। तो ये चीज क्रूशियल बन जाती है और आपको मैच के दौरान ये चीज पता होनी चाहिए।
काफी लो स्कोरिंग मैचेस देखे गए हैं, चेस करना काफी मुश्किल हो रहा है। जी हां, चेस करना काफी मुश्किल है। हालांकि लास्ट मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेस किया, लेकिन वो एक बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था, 120 रन ही बने थे। अगर 150 या फिर 160 रन बन जाते हैं फिर मुझे लगता है कि यहां पे चेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। फास्टर्स के कंपैरिजन में स्पिनर्स को काफी मदद मिल रही है। जी हां, फास्टर्स के कंपैरिजन में स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिल रही है। यूज आप बोल सकते हैं कि यूज किया जा चुका है पिच, 7-8 मैचेस खेले जा चुके हैं, तो वैसे भी काफी स्लो था, ड्राई था, तो यहां पे अब स्लो होने के कारण बैट बॉल पे अच्छी तरीके से आ नहीं रहा है, तो टर्न आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। लास्ट मैच अगर आपने देखा हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से ब्लैक कलर का पिच था, यानी कि ब्लैक पिच था। यहां पे आप बहुत सारे जैसे वानखेड़े में देखते हैं कि आपको घास देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर के कुछ धब्बे से दिखाई दे रहे थे, तो कुछ अलग पिच है, ड्राई पिच है, थोड़ा सा बैट्समैन के लिए मुश्किलें कर सकती है। अगर मुंबई पहले खेलती है तो फिर थोड़ा से चांस बनते हैं कि स्कोर करने के। अब देखिए स्कोरिंग पैटर्न को लेकर बात करते हैं, तो 150 से नीचे का स्कोर 28 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 150 to 169, 27 टाइम्स स्कोर बिटवीन 170 to 189, 12 टाइम्स और स्कोर अबव 190 है, जो कि 15 टाइम्स बना है। अब देखिए यहां से जो फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर रहता है 149 का, सेकंड इनिंग्स का 125 का है वो एवरेज रहता है, तो यहां से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करना मुश्किल है, टारगेट को चेस करना मुश्किल है और एवरेज भी कम रहता है। जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो फिर डोमिनेट करता है और क्या बोलते हैं उसको कि दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को डोमिनेट करते हैं। अब देखिए एम एच चिदम्बरम स्टेडियम पे इसी आईपीएल के 8 मैचेस खेले जा चुके हैं, इसी आईपीएल के 8 मैचेस में 113 विकेट्स गिरी है, 8 मैचेस में 113 विकेट, जहां पे पेसर्स को 64 और स्पिनर्स को यहां पे 42 विकेट मिली है, रन आउट हुए हैं 7। अब 64 और 42 में थोड़ा सा अंतर बड़ा है, लेकिन एक मैच में फास्टर्स ज्यादा होते हैं, शुरुआत के जो 3-4 मैचेस हुए थे वहां पे स्पिनर्स को विकेट नहीं मिली थी, इसके बावजूद जो 3-4 स्पिनर्स खेलते हैं 6-7 फास्टर्स के कंपैरिजन में फिर भी 42 का रेशियो निकल रहा है, तो यहां पे मुझे लगता है कि काफी बढ़िया है और स्पिनर्स आपकी टीम में होने चाहिए इस मैच के दौरान। अब देखिए पंजाब 11 की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो कुछ ये रह सकती है। अब अगर इस प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस होते हैं वो आपको टेलीग्राम पे अनाउंस कर दिए जाएंगे, जैसे कि यहां पे रवि बिश्नोई को मौका मिल सकता है, तो अगर रवि बिश्नोई खेलते हैं तो उनको टीम में लेना है नहीं लेना है, किसकी जगह पे लेना है, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। लोकेश राहुल लास्ट के 2 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं, मयंक अग्रवाल फॉर्म में दिखे थे लेकिन फिर 22 रन बना के लास्ट मैच में आउट हो गए, क्रिस गेल कुछ खास नहीं कर पाए एक मैच के दौरान, तो इन सभी प्लेयर्स को लेके है हम लोग ड्रीम 11 पे चर्चा करेंगे। यहां से निकल्स पूरन है जो कि प्लैटिनम सब कुछ, इनको गोल्ड 0 में है, वो सब कुछ मिलना था, वो इनके मीम्स भी बन रहे हैं आपने अगर इंस्टाग्राम पे देखा होगा, तो ये भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, लास्ट आईपीएल में बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी लेकिन इस आईपीएल में नहीं हो नहीं रहा है इनसे। बाकी यहां से मॉइजेस हेनरिकस और फैबियन अलेन, इन पे नजरें जरूर रखिएगा। जी हां, मॉइजेस हेनरिकस और फैबियन अलेन, इन पे नजरें जरूर रखिएगा। यहां से लास्ट मैच का जो बॉलिंग स्टेट्स रहा, अर्षदीप सिंह 3 ओवर 0 विकेट, मॉइजेस हेनरिकस 1 ओवर 0 विकेट, ये मुझे थोड़ा सा है वो अजीब लगा कि मॉइजेस हेनरिकस से बॉलिंग ज्यादा नहीं करवाई गई। मोहम्मद शामी 2 ओवर 0 विकेट, फैबियन अलेन 4 ओवर 1 विकेट, मुर्गन अश्विन 4 ओवर 0 विकेट, दीपक हुड्डा ने लास्ट मैच में 4 ओवर्स डाले, तो यहां पे तो देखिए मुंबई इंडियंस की टीम में ईशान किशन है, क्विंटन डिकॉक है, कृणाल पांड्या है, बाएं हाथ के लेफ्ट हैंडी है, तो यहां से वंस अगेन चांस बनते हैं कि दीपक हुड्डा गेंदबाजी करेंगे। जी हां, वंस अगेन ये चांस बनते हैं। मुंबई की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। अब अगर इस प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा, क्विंटन डिकॉक की जगह यार मुझे लगता है क्रिस लिन को खेलना चाहिए, क्विंटन डिकॉक 2 मैच में फ्लॉप रहे हैं और क्रिस लिन 1 मैच में आके उन्होंने है वो 46 या फिर 49 किए थे शायद, तो उसको देखते हुए तो क्रिस लिन बनते, बाकी देखिए विकेट कीपिंग का एडवांटेज है, तो यहां से डिकॉक ही मुझे लगता है कि खेलने चाहिए, बाकी मुझे लगता है सेम प्लेइंग 11 रहेगी, चेंज होते हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर 0 विकेट लास्ट मैच में, जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 1 विकेट, राहुल चहर 4 ओवर 1 विकेट, उसके अलावा जयंत यादव ने 4 ओवर्स डाले 1 विकेट में लिए और 23 रन भी किए थे, जयंत यादव काफी बढ़िया बैटिंग भी कर लेते हैं।
कृणाल पांड्या 2 ओवर 0 विकेट, कायरन पोलार्ड 1 ओवर 1 विकेट। यहां पे देखिए कृणाल पांड्या, जयंत यादव, कायरन पोलार्ड, ये तीनों आपको वंस अगेन गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। बिकॉज चिदंबरम स्टेडियम है, स्लो पिच है, तो आपको ये गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, ये आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। ट्रेंट बोल्ट शायद 1 ओवर डालते हैं, 2 ओवर से लास्ट के डेथ में, ऐसा है कि ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह ये इनकी गेंदबाजी में डेथ में गेंदबाजी करने के लिए। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, यानी कि जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती है तो कौन सा प्लेयर क्या परफॉर्मेंस करता है। लेकिन उससे पहले हमारे गिववे का पहला क्वेश्चन, हमारे गिववे का पहला क्वेश्चन ये है कि आज के मैच में सबसे ज्यादा विकेट्स कौन लेगा। जी हाँ, गिववे का पहला क्वेश्चन है कि आज के मैच में सबसे ज्यादा विकेट्स कौन लेगा। सेकंड क्वेश्चन आगे मैं आपसे करने वाला हूं और जो विनर सकल के उनके भी मैं नाम अनाउंस करूंगा। अब देखिए क्वांटन डिको का यहां पे जो पंजाब किंग्स की टीम है उनके अगेंस्ट 34 का एवरेज है मुंबई से खेलते हुए। मुंबई इंडियंस में जाने के बाद पंजाब किंग्स के अगेंस्ट वो 4 मैचेस खेले हैं और 34 का एवरेज है। ईशान किशन का 17 का एवरेज है 5 मैचेस में, तो ईशान किशन कुछ खास वैसे नहीं दिखा। रोहित शर्मा का 26 का एवरेज है, तो इनका भी कुछ खास नहीं लगा मुझे। सूर्य कुमार यादव का 21 का एवरेज है, तो मुंबई के जितने भी प्लेयर्स है ना 30 से ऊपर का, क्वांटन डिको को छोड़ के 30 से ऊपर का किसी का भी एवरेज नहीं है। उसके अलावा लोकेश राहुल का देखिए 95 का एवरेज है, लोकेश राहुल का 95 का एवरेज है 6 मैचेस में 383 रन। मयंक अग्रवाल का 22 का, क्रिस गेल का भी अच्छा है 39 का, निकोलस पुरन का यहां से 34 का एवरेज है। तो जब मुंबई और यहां पे पंजाब किंग्स के बैट्समैन को जब कंपैरिजन करेंगे तो यहां से तो पंजाब किंग्स की टीम का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है भाई साहब। यहां से पंजाब के जो प्लेयर्स है वो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं मुंबई के अगेंस्ट, कंपैरिजन टू मुंबई अगेंस्ट के प्लेयर्स। यहां पे जो पंजाब किंग्स की टीम है उनके अगेंस्ट कुछ खास एवरेज रहा नहीं है। मुर्गन अश्विन 2 मैच 2 विकेट, रवि बिश्नोई 2 मैच 1 विकेट, मोहम्मद शामी 4 मैचेस 8 विकेट। मोहम्मद शामी शानदार रहे हैं पंजाब के, सॉरी मुंबई के अगेंस्ट। अर्शदीप सिंह 1 मैच 2 विकेट, जसप्रीत बुमराह 12 मैच 17 विकेट, ट्रेंट बोल्ट 2 मैच 1 विकेट, राहुल चहर 3 मैच 4 विकेट, कृणाल पांड्या 9 मैच 4 विकेट। अब देखिए जो ट्रेंट बोल्ट है इनके वैसे 2 मैचेस नहीं है, काफी मैचेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुंबई से खेलते हुए इन्होंने है वो पंजाब, अगर पंजाब के खिलाफ है वो केवल 2 मैचेस खेले हैं। जी हाँ, क्योंकि ये पहले दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी खेल चुके हैं, तो जब उनकी तरफ से खेल रहे थे तभी इन्होंने पंजाब के साथ मैच तो खेले, लेकिन मैं अभी जो मुंबई की टीम है उनको देखते हुए मैं यहां से आपको क्लियर कर रहा हूं। अब देखिए यहां से मैच वाइज परफॉर्मेंस, अब देखिए लास्ट के दो तीन साल में जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के साथ खेली है ना, तो कौन से प्लेयर ने क्या परफॉर्मेंस किए। यहां से क्वांटन डिको की लास्ट 4 परफॉर्मेंस को आप देखेंगे, 0, 53, 60, 24 मुझे लगता है कि बहुत बेटर है। 2 से 8 सेंचुरी कर चुके, 1 में एवरेज रहे, 1 में डक पे गए, लेकिन 3 मैचेस में रन करना 4 में से मुझे लगता है शानदार है। रोहित शर्मा 70, 9, 32, 24, तो ये भी एवरेज रहे हैं, 1 में बड़ा स्कोर किया, बाकी 3 में 1 में कुछ खास नहीं कर पाए, 2 में एवरेज रहे। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने जो लास्ट 4 इनिंग्स के लिए अगेंस्ट पंजाब किंग्स फ्लॉप रहे हैं, आप देख सकते हैं मैंने यहां से डायरेक्ट लिखा हुआ है 10, 0, 11, 21 फ्लॉप रहे हैं। उसके अलावा ईशान किशन 28, 7, 7, 25, तो इनकी भी कुछ खास नहीं लगा मुझे। हार्दिक पंड्या 30, 8, 31, 19 इनका मुझे एवरेज लगा, लेकिन कायरन पोलार्ड का देखिए 47, 34, 7, 83, यानी कि कायरन पोलार्ड काफी बढ़िया कर रहे हैं, अगर बैटिंग का चांस मिलता है तो कायरन पोलार्ड रन कर सकते हैं, पंजाब के अगेंस्ट काफी बढ़िया एवरेज है। केएल राहुल का देखिए, इस प्लेयर का आप लोग लास्ट की परफॉर्मेंस देखिए, लास्ट के 5 मैचेस की मैं आपको दिखाता हूं, 17, 71, 77, 100, 94 ये केएल राहुल के लास्ट 5 इनिंग्स है लास्ट के 2-3 साल में मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। देखिए इस प्लेयर को, मतलब आईपीएल में केएल राहुल से बैटर मुझे लगता है कि कोई प्लेयर परफॉर्मेंस करता हो शायद। वैसे तो जो सुरेश रायना है उनको मिस्टर आईपीएल कहा जाता है, लेकिन लोकेश राहुल भी कम नहीं है, लोकेश राहुल मुझे लगता है टीम में बनने चाहिए। मयंक अग्रवाल 25, 43, 11, निकोलस पुरन 24 और 44, क्रिस गेल 40, 63, 24, 50, तो क्रिस गेल जैसा कि मैंने यहां पर एवरेज में भी बता दिया था कि पंजाब के बैट्समैन बढ़िया कर रहे हैं अगेंस्ट मुंबई टीम के अगेंस्ट, लेकिन मुंबई के प्लेयर्स है वो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं अगेंस्ट पंजाब किंग्स के बॉलर्स, ये चीज आपको ध्यान में जरूर रखनी है। लेकिन अभी मुंबई इंडियंस काफी मुझे लगता है बेहतरीन टीम है, पलड़ा भारी है पंजाब से।
वंस अगेन एक ही चीज बोलूंगा, फाइनल अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फाइनल अपडेट आपको वही मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा। प्लेयर्स बैटल को लेके बात करते हैं। प्लेयर्स बैटल में देखिए आपको वैसे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नए गेंदबाज है उनके अगेंस्ट जो प्लेयर्स बैट्समैन है ना, उनका कुछ डेटा है नहीं। यहां से क्वांटन डिकोक टू मुर्गन अश्विन एक भी बार आउट नहीं किया है। मोहम्मद शामी ने एक बार आउट किया है क्वांटन डिकोक को। क्रिस जोर्डन वैसे खेल नहीं रहे हैं, लेकिन क्रिस जोर्डन ने क्वांटन डिकोक को 4 times आउट किया है। जी हां, क्रिस जोर्डन ने क्वांटन डिकोक को 4 times आउट किया है, 4 times आउट किया है। रोहित शर्मा टू मोहम्मद शामी एक बार आउट। अर्षदीप सिंह ने एक बार एक बॉल रोहित शर्मा ने एक बॉल फेस किया अर्षदीप सिंह की, उसमें भी आउट हुए हैं। क्रिस जोर्डन ने एक भी बार आउट नहीं किया है, अपितु पिटाई भी की है। बाकी जो बॉलर्स है उनके अगेंस्ट कोई मैचअप है नहीं। सूर्य कुमार यादव एक बार आउट किया है, सूर्य कुमार यादव को मोहम्मद शामी ने। मुर्गन अश्विन ने 2 times आउट किया हुआ है। मॉइजेस हेनरिकस ने 1 times आउट किया हुआ है। उसके अलावा ईशान किशन टू मोहम्मद शामी 0 times आउट किया हुआ है। अर्षदीप सिंह की एक बॉल को फेस किया है ईशान किशन ने और उसी पे आउट भी हुए हैं। हार्दिक पंड्या टू मोहम्मद शामी 3 times आउट किया हुआ है। 11 balls में 16 runs 3 times आउट किया हुआ है। और हार्दिक पंड्या फेस कर सकते हैं मोहम्मद शामी को, बिकॉज हार्दिक पंड्या भी लास्ट के कुछ ओवर्स में बैटिंग करते हैं और मोहम्मद शामी डेथ में गेंदबाजी करते हैं, तो वहां पे इनका सामना हो सकता है। मॉइजेस हेनरिकस 1 times आउट और क्रिस जोर्डन ने भी 1 times आउट किया हुआ है, लेकिन क्रिस जोर्डन की पिटाई भी की हार्दिक पांड्या ने 31-69। कायरन पोलार्ड टू मोहम्मद शामी 1 times आउट नहीं किया है, पिटाई भी करवा के गए हैं। क्रिस जोर्डन ने 1 times आउट नहीं किया है, इनकी भी पिटाई की है पोलार्ड ने। मॉइजेस हेनरिकस इनकी पिटाई की है, 1 times आउट किया इन्होंने। तो कायरन पोलार्ड आप जब कंपैरिजन करेंगे तो पंजाब के जो बॉलर्स है पिटाई कर रहे हैं भाई साहब, और मुझे लगता है कर सकते हैं अगर ज्यादा बैटिंग का मौका मिला कायरन पोलार्ड को तो पिटाई कर सकते हैं। केएल राहुल टू जसप्रीत बुमराह 2 times आउट किया हुआ है। ट्रेंट बोल्ट ने 1 times आउट किया हुआ है। राहुल चेहर ने 1 times आउट किया हुआ है। कृणाल पांड्या ने 1 times आउट नहीं किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कृणाल पांड्या को काफी बॉल गेंदबाजी करने का मौका मिल सकता है, राहुल जो मयंक अग्रवाल है और जो केएल राहुल है उनके सामने। मयंक अग्रवाल यहां से जसप्रीत बुमराह ने 3 times आउट किया हुआ है। देखिए मयंक अग्रवाल, जसप्रीत बुमराह ने मयंक अग्रवाल को केवल 10 balls खिलाई है, यानी कि 10 balls फेस किए मयंक अग्रवाल ने, 2 runs किए हैं, 3 times आउट हुए हैं। तो यार इससे बेटर तो मुझे लगता है कोई गेंदबाज कर नहीं सकता है किसी प्लेयर्स के अगेंस्ट, वो भी मयंक अग्रवाल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जब आप मयंक अग्रवाल को पिक करते हैं। राहुल चार ने 1 times और ट्रेंट बोल्ट ने 1 times आउट नहीं किया है। कृणाल पांड्या ने 1 times आउट किया हुआ है। इसके साथ क्रिस गेल टू जसप्रीत बुमराह 1 times आउट किया हुआ है। राहुल चार 1 times आउट किया हुआ है। कृणाल पांड्या ने 1 times आउट किया हुआ है। मुझे लगता है नहीं ये ज्यादा बॉलिंग कृणाल पांड्या को क्रिस गेल के अगेंस्ट मिलेगी। निकोलस पुरन टू जसप्रीत बुमराह 1 times आउट किया हुआ है। ट्रेंट बोल्ट ने 1 times आउट किया हुआ है। राहुल चार ने 1 times आउट नहीं किया हुआ है। दीपक हुड्डा जसप्रीत बुमराह 1 times आउट नहीं किया हुआ है। तो ज्यादा मैचअप है वो देखने को मिलेगा नहीं, जो नए जैसे अर्षदीप सिंह हो गए, रवि बिश्नोई हो गए, मुर्गन अश्विन हो गए, इनका ज्यादा जो मैचअप्स है ना वो प्लेयर्स के अगेंस्ट है नहीं, तो इसलिए मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब चलिए मैं यहां से आपको डायरेक्ट ड्रीम 11 पे लेके चलता हूं, जहां पे हम लोग प्लेयर वाइज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको विकेट कीपर का ऑप्शन मिलेगा। विकेट कीपर में यहां से देखिए केएल राहुल, अब स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो केएल राहुल को मैं यहां से छोड़ के नहीं चलूंगा। आपको मैक्सिमम टीमों में कैप्टन वाइज कैप्टनसी भी मिलेगी इनको केएल राहुल की, तो मैं केएल राहुल को पिक कर रहा हूं। यहां से क्वांटन डिकोक है। देखिए अगर यहां से वानखेड़े वगैरह का स्टेडियम होना तो क्वांटन डिकोक काफी शानदार हो सकते हैं, लेकिन मिस्टर चिदम्बरम स्टेडियम है और यहां पे थोड़ी सी दिक्कतें उनके लिए शायद हो सकती है। दीपक हुड्डा उनके सामने गेंदबाजी करने को आ सकते हैं, लेकिन 55% सिलेक्शन है, आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं और काफी खराब पिच है, विकेट ज्यादा गिरते हैं, तो यहां पे मुझे लगता है कि अगर 2-3 कैचेस भी पकड़ लेते हैं तो मान के चलिए 24-25 रन वो हो गए, और अगर 24-25 रन कर देते हैं तो 50 रन जितने पॉइंट दे देते हैं। तो यहां से मैं क्वांटन डिकोक को लेके चल रहा हूं। निकोलस पुरन मैं 1 times के लिए छोड़ के चल रहा हूं, बिकॉज यार इनके जितना फ्लॉप तो मैंने लाइफ में देखा ही नहीं है। या तो लास्ट आईपीएल में मैक्सवेल हुए थे फ्लॉप, या फिर इस बार ये हो रहे हैं। मेरे फेवरेट है लेकिन क्या करें।
मैं टीम में लेके चल सकता हूं, लेकिन आप लोगों की सेफ्टी के लिए मैं यहां से छोड़ के चल रहा हूं, यहां से ईशान किशन। अब देखिए, अगर मुंबई इंडियंस की टीम पहले बैटिंग करती है तो ईशान किशन को मैं पिक कर रहा हूं। जी हां, डिफरेंशियल बन सकते हैं ईशान किशन, केवल 29% सिलेक्शन है ईशान किशन का, तो मैं यहां से ईशान किशन को अपनी टीम में लेके चल रहा हूं। बैटिंग सेक्शन में देखिए, यहां से रोहित शर्मा को मैं लेके चल रहा हूं। क्रिस गेल का सिलेक्शन काफी कम है और इस पिच पे होना भी चाहिए, क्योंकि इस पिच पे मान के चलिए राहुल चहर परेशान कर सकते हैं क्रिस गेल को, जसप्रीत बुमराह भी परेशान कर सकते हैं। पिच इतनी कुछ खास है नहीं, तो छोड़ के चलना चाहो तो चल सकते हो, आपको क्रेडिट्स भी कम, आपके क्रेडिट्स भी बचेंगे। मैं एक बार के लेके जा रहा हूं सूर्य कुमार यादव, जो कि स्पिन को काफी बढ़िया खेल लेते हैं, सूर्य कुमार यादव के साथ जा रहा हूं। मयंक अग्रवाल, नो क्रेडिट्स है मयंक अग्रवाल के, तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से आप लोग क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल, इन दोनों में से एक को लेके चलना। जी हाँ, इन दोनों में से आप लोग एक को लेके चल सकते हो। यहां से हार्दिक पांड्या, अगर मुंबई इंडियंस की टीम पहले बैटिंग करती है तो हार्दिक पांड्या को एज ए डिफरेंशियल जरूर ट्राई कर सकते हो आप लोग, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर कोई प्लेयर है वो अगर लास्ट के 3 मैचेस में फ्लोप हुआ है तो वो इस मैच में भी फ्लोप होगा। लास्ट कुछ मैचेस में हमने क्या किया था कि गायकवाड़ लगातार फ्लोप चल रहे थे, फिर हमने ट्राई किया और गायकवाड़ ने हमारा क्लीन स्वीप करवाया था, तो वैसे कुछ चीजें होती है। लेकिन थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं तो शायद वो चीज ना हो कि कितने रन कर दे, 50 कर दे, वो शायद ना हो, लेकिन लास्ट के 10-15 बॉल में अगर 30-35 रन करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। बाकी नीचे से शाहरुख खान है, अगर शाहरुख खान को पिक करना चाहो तो यहां से आपके क्रेडिट्स मेंटेन होंगे, आप लोग शाहरुख खान को लेके चल सकते हैं। मैं स्मॉल लीग में सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, हार्दिक पांड्या को भी ग्रैंड लीग में जरूर लेके चलना। यहां से जो निकोलस पूरन है वो ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं, स्पेशली अगर पंजाब किंग्स की टीम पहले बैटिंग करती है। ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात करें, उससे पहले हमारे गिववे का जो सेकंड क्वेश्चन है, जी हाँ, हमारे गिववे का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि आज के मैच में, जी हाँ, आज के मैच में रोहित शर्मा किस तरीके से आउट होंगे। जी हाँ, आज के मैच में रोहित शर्मा किस तरीके से आउट होंगे, बॉल्ड होंगे, कोट आउट होंगे या फिर एलपीडब्ल्यू आउट होंगे, ये आपको बताना है। तीनों में से कौन सा आपको, पहला क्वेश्चन मैंने गिवे का पहले कर लिया, ये सेकंड क्वेश्चन है कि रोहित शर्मा किस तरीके से आउट होंगे, बॉल्ड होंगे, एलपीडब्ल्यू होंगे, कोट आउट होंगे। इन दोनों क्वेश्चन के आपको सही आंसर देने हैं, जो सबसे पहले सही आंसर देगा, दो बंदे जो सबसे पहले सही आंसर देंगे उनको प्राइज मिलेंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और अगर आपका आंसर सही भी हुआ तो भी आपको प्राइज नहीं मिलेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। विनर्स के नाम मैं आपको अभी बताऊंगा। मॉइजेस हेनरिकस, अब देखिए लास्ट मैच में मैं मॉइजेस हेनरिकस को लेके चला, मुझे लगा था कि ये 3-4 ओवर्स पक्का डालेंगे, क्योंकि उतनी गति से गेंदबाजी नहीं करते हैं और पिच भी स्लो थी, तो मुझे लगा था कि ये गेंदबाजी करेंगे, लेकिन केवल एक ओवर डाला। अगर ओवर्स डालते हैं फिर आपके लिए बेटर हो सकते हैं। कायरन पोलार्ड आपको है वो गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। जी, कायरन पोलार्ड आपको 1-2 ओवर्स गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं और काफी बढ़िया 50% इनका सिलेक्शन भी है, तो कायरन पोलार्ड को यहां से आप लोग लेके चल सकते हो। यहां से मैं दीपक हुड्डा के साथ जा रहा हूं। दीपक हुड्डा बिकॉज सामने वाली टीम में आप मान के चलिए ईशान किशन है, क्वांटन डिकोक है, तो उनके सामने गेंदबाजी करने का भी चांस मिलेगा दीपक हुड्डा को। दीपक हुड्डा के साथ मैं जा रहा हूं। कृणाल पांड्या यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, कृणाल पांड्या को आप ट्राई कर सकते हैं। यहां से मैं फैबियन अलैन के साथ जा रहा हूं। जी हां, फैबियन अलैन के साथ, जो कि हिटिंग भी कर लेते हैं और क्रेडिट्स भी मेंटेन करके देंगे, तो यहां से फैबियन अलैन के साथ मैं जा रहा हूं। अब बॉलिंग सेक्शन में जाएंगे। देखिए, मेरा यहां पर इन दोनों का लेने का मूड था कि मैं इन दोनों को पिक करूंगा, लेकिन क्रेडिट पॉइंट का इश्यू, जी हाँ, क्रेडिट पॉइंट के इश्यू के चलते मैं यहां पर इन दोनों को नहीं ले पा रहा हूं। यहां से मैं एक बार के लिए क्या करता हूं कि मैं है वो जसप्रीत बुमराह के साथ चलता हूं, स्पेशली अगर मुंबई इंडियंस की टीम पहले बॉलिंग करती है तो जसप्रीत बुमराह, अगर बाद में बॉलिंग करे तो यहां से आप लोग है वो ट्रेंट बोल्ट को ले सकते हो। मोहम्मद शमी यहां से आपके लिए मस्ट पिक रहेगा, बिकॉज मुंबई के अगेंस्ट काफी बढ़िया कर चुके हैं मोहम्मद शमी, 4 मैच में 8 विकेट्स है। इसके अलावा यहां से मैं राहुल चहर के साथ जा रहा हूं। अब 8 क्रेडिट्स बचते हैं, 8 क्रेडिट्स में हमारे पास एक ही चारा है, जयंत यादव। जी हां, 8 क्रेडिट्स में हम लोग केवल जयंत यादव को पिक कर सकते हैं, तो यहां से मैं जयंत यादव को लेके जा रहा हूं। यहां से एक चीज में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, यहां से जो मोहम्मद शमी है इनको लेने की कोशिश करना, ट्रेंट बोल्ट भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन क्रेडिट का इश्यू हो रहा है जिसकी वजह से मैं इनको पिक नहीं कर पा रहा हूं। यहां से कैप्टन वाइस कैप्टनसी को लेके बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के जो विनर रहे हैं, पहले जो विनर है उनका मैं आपको नाम बता दूं कि पहले
पहले कौन विनर है? पहला विनर है करण सुगुड़े। जी हाँ, करण सुगुड़े इनका नाम है। इनको ये नहीं पता कि ये कहां से है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिया है और वीडियो को लाइक भी किया है, करण सुगुड़े। दूसरे जो विनर है वो है रोशन माधवी। जी हाँ, करण सुगुड़े और रोशन माधवी कल के हमारे गिवे के विनर हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कंग्रेचुलेशन, आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दीजिए, आपको प्राइज आपका मिल जाएगा और आप भी आंसर कीजिए आपके आज के गिवे के। अब कल से हम अलग से गिवे रखेंगे कि पहले जो कमेंट करेगा उसी को गिवे मिलेगा। यहां से देखिए, यहां से मैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी को लेके बात करते हैं। मैं आपको दो प्लेयर सजेस्ट करूंगा कैप्टनसी के लिए, एक सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, कैप्टनसी के लिए मैं आपको दो पिक करूंगा, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल। जी हाँ, इस दोनों से, ये दोनों आपके लिए कैप्टनसी के लिए काफी बढ़िया हो सकते हैं। यहां से सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल, यहां से आप इन दोनों में से किसी एक को कैप्टन रख सकते हैं। वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टनसी के लिए देखिए, यहां से मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक तो करूंगा क्रिस गेल और एक करूंगा क्वांटन डिकोक। इन दोनों में से आप एक को वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। यहां से मैं क्वांटन डिकोक के लिए एक बार वाइस कैप्टनसी दे रहा हूं, बिकॉज इनको विकेट कीपिंग से भी कुछ पॉइंट आपको ये दे सकते हैं, इसलिए मैं क्वांटन डिकोक को है वो एज ए वाइस कैप्टन रख रहा हूं। कैप्टन से आप सूर्य कुमार यादव या फिर केएल राहुल, दोनों में से एक को है वो आप कैप्टनसी दे सकते हैं। दोनों बढ़िया बैट्समैन है, सूर्य कुमार यादव काफी बढ़िया स्पिन खेल लेते हैं, केएल राहुल आपको विकेट कीपिंग से भी एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकते हैं। टीम का प्रीव्यू आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसा रहेगा। अब जो लोग डायरेक्ट यहां पे टीम देखने को आ रहे हैं उनसे एक चीज क्लियर कर दूं कि टीम को कॉपी करने से पहले वीडियो के अंदर जाके वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये टीम क्यों बनाई है और इसमें चेंजेस कहां पे हो सकते हैं जो कि पॉसिबल है और मुझे लगता है कि होंगे मैच कंडीशन वाइज देखते हुए टॉस के बाद। तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।